मैं शरीर हूँ ये था, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन हूँ अभी तक हो रहा था, नहीं मैं मन नहीं हूँ, मैं मेरी बुद्धि हूँ नहीं, मेरे विचार भी नहीं हूँ, washing it all of this out, stripping us of all of these external, ये जो आडंबर पहन के रखे हैं externalities, इस सब छोड़ने के बाद जो बचता है वो मैं हूँ। और बिजली कहे कि मैं ये सीमेंट कंक्रीट की दीवार भी नहीं हूँ, या मैं प्लग पिन भी नहीं हूँ, मैं वो मिक्सर भी नहीं हूँ, मैं वायर तक नहीं हूँ जिस वायर में से बिजली आ रही है, उसके ऊपर का रबर का कोटिंग भी नहीं हूँ, मेटल की वायर भी नहीं हूँ, बिजली को कहते तो है कौन, इनमें से कुछ भी नहीं हूँ। इन सब के अंदर जो इनविजिबल बह रही है और जिसके कारण इन सब का कीमत है, वो मैं हूँ और वो सब में समान हूँ। घर भर में कौन से किधर से भी वायर से जो बिजली जा रही है वो सेम क्वालिटेटिवली सेम है। सो ऐसे अपनी जो पहचान हो जाए फिर वो बिंदास्त हो जाए, फिर वो हर काम फर्स्ट क्लास ही करे, सेकंड क्लास कभी कुछ ना करे, थर्ड क्लास तो कभी करे ही नहीं, फर्स्ट क्लास ही करे, और उसी क्षण बिंदास हो जाए कि अपना क्या लेना देना अपने ओर से, आवर फर्स्ट क्लास, ऑलवेज 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 डू हर बेस्ट। There is a difference between doing it the best and doing it your best. Gita kya kehti? Tumhare se jitna acha banta hai. Your best. Do your best. Not the best. Because hamare acche se to aur dusra koi aur acha kaam kar sakta hai. Lekin usse bhi aur dusra koi acha kaam kar sakta hai. Iska to ant hi nahi hai. Aur kitna acha sa. There is, it's because it is relative. It is endless. Oh, we can always give our best. Kisi bhi kaare mein. So the verdict here in the Gita is that do your best. तुम्हारे हैसियत से, अपने शरीर से, अपनी ताकत से, अपनी दौलत से जितना बढ़िया बनता है उतना करे, और एकदम छोड़ दे, okay? बस हो गया अपना काम, सेवा हो गई प्रभु की। If these videos are helpful, please share them with others. Like and subscribe to help spread the message of Krishna. Jai Shri Krishna.